दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स की अपडेट, एडमिशन की अपडेट, क्लास 11th का, 9th का, 6th का, बीए, बीएससी, बीए ऑनर्स, मास्टर डिग्री, उसके बाद मैं लेके आऊँगा डिस्टेंस कोर्सेज का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस कोर्सेज का भी फॉर्म निकल चुका है और उस जितने भी डिस्टेंस कोर्सेज है उसमें बिना टेस्ट के ही एडमिशन होता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मैं वीडियो आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे डाल के जाऊंगा। जो पहले सबसे पहले आप देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे जाइएगा। डिस्टेंस एजुकेशन का भी फॉर्म आ चुके हैं, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो मैं बना चुका हूं, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हाइलाइट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले छोटे नीचे कोर्स से शुरू करते हैं, क्लास फर्स्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्कूल का देख लेते हैं, क्लास फर्स्ट का, 6th का, 9th का, ये तीन है जो स्कूल में आते हैं, तीन कोर्सेज। क्लास फर्स्ट का इंटरव्यू हुआ है, फाइनल रिजल्ट आना बचा हुआ है। कब आया था इसका रिजल्ट देखिए, क्लास फर्स्ट का इंट्रैक्शन अगस्त 20 से 22 तक था, यानी अगस्त 20 से लेकर 22 तक इंटरव्यू हुआ था। अब क्लास फर्स्ट का रिजल्ट आना बचा हुआ है। उसी तरह क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 भी देखेंगे 27 अगस्त को इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू तो हो चुका है, अब रिजल्ट आना बचा हुआ है। 9th क्लास की बात करें तो 27 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक इसका इंटरव्यू चला था। तो अभी कुछ समय लगेंगे क्लास फर्स्ट का, 6th का और 9th का रिजल्ट आने में। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र कीजिए, सब्र का फल मिठाई होता है। तो मिठाई होगा, क्लास फर्स्ट का, 6th का, 9th का इंटरव्यू हो चुका है, अब फाइनल रिजल्ट आना बचा हुआ है। अब उससे पहले कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। ग्रेजुएशन का कुछ कोर्सेज का रिजल्ट आया, जैसे बीएससी ऑनर्स का रिजल्ट आ चुका है, एमसीए का रिजल्ट आ चुका है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट आ चुका है, बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है, बीएलएलबी का रिजल्ट आ चुका है। अब हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेजेस की इंजीनियरिंग का। तो उससे पहले हम रिजल्ट पे यहाँ पे देखिए एडमिशन लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितनी भी कोर्सेज होते हैं सब आ गए, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, हाईलाइट देखेंगे। देखिए ब्रिज कोर्स जो दीनी मदारिस के लिए है, ब्रिज कोर्स बॉयज, ब्रिज कोर्स गर्ल्स, इनका भी सेलेक्टेड लिस्ट आ गया है और चांस मेमो लिस्ट भी, चांस मेमो मतलब वेटिंग लिस्ट आ चुका है। तो ब्रिज कोर्सेज वाले भी अपना रिजल्ट तो देख चुके हैं, जिनका जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्लास 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एडमिशन कब होगा ये आना बाकी है, इसके बाद ही सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आएगा। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रिजल्ट आ चुका है, एडमिशन की अभी नोटिस आएगी किस डेट को एडमिशन होगा, उसके बाद आप लोग जाके एडमिशन ले पाएंगे। और जैसे एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद ही आएगा सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म। तो समझ में आ गया होगा ना, सेल्फ फाइनेंस के जो बहुत ज़्यादा आप लोग YouTube पे सर्च कर रहे हैं, तो सेल्फ फाइनेंस का भी फॉर्म निकलेगा, लेकिन पहले रेगुलर का एडमिशन तो हो जाए, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का भी आएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस में चलते हैं। सोशल साइंस में MA इस्लामिक स्टडीज़, MA सोशियोलॉजी, MPED और MSW इसका रिजल्ट आ चुका है। और देखिए MSW का भी इंटरव्यू GD का लिस्ट आया है, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहिएगा, घबराना नहीं है। जो चीज़ आया रास्ते में ना अपने जीवन में, उसको सामना करना है, लड़ना है। अब लड़ाई ऐसा नहीं करना कि फिजिकली पसीना निकालना है, मतलब दिमाग में माइंड मेकअप कर लेना है कि जो भी चीज़ आएगा आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव नो चॉइस एट ऑल, मुझे करना ही करना है। फैकल्टी ऑफ साइंस में देखिए MCA का रिजल्ट आ चुका है, सेलेक्टेड लिस्ट है, चांस मेमो लिस्ट है, स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। BSc ऑनर्स का भी रिजल्ट आ चुका है, BSc ऑनर्स का भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों का आ चुका है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट में MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MBA जनरल और MBA इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका भी इंटरव्यू का लिस्ट आ चुका है। MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी आ चुका है, MSc साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक का भी आ चुका है। अब लॉ में चलेंगे तो BLLB का सेलेक्टेड लिस्ट आ गया है, चांस मेमो लिस्ट आ गया, स्पेशल कैटेगरी भी आ चुका है। लाइफ साइंसेज में MSc बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया है और BSc ऑनर्स बॉयज़, BSc ऑनर्स गर्ल्स का रिजल्ट आ चुका है। BTech की बात करें तो BTech का भी रिजल्ट आ चुका है,
बीटेक में भी सिलेक्टेड लिस्ट होता है, चांस मेमो होता है, स्पेशल कैटेगरी होता है। एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, कस्टम डिजाइन एंड गारमेंट, एम आर्क प्लानिंग, एम टेक सिविल, एम टेक कंप्यूटर साइंस, एम टेक पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। जिनका जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका चांस मेमो में आया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, कम से कम आप वेटिंग लिस्ट में है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिनका स्पेशल कैटेगरी में उनका तो सिलेक्शन हो गया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका इस साल नहीं हुआ अगले साल की तैयारी करें या दूसरे किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करें। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे तो बीकॉम का रिजल्ट आ गया है। एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का आ चुका है। जिनका अभी नहीं आया है वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। आपका रिजल्ट तुरंत आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। कोई सीयूटी का टेस्ट तो नहीं है, जिनका सीयूटी के थ्रू है उनका तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 10 तारीख तक रिजल्ट सीयूटी का आ सकता है। मेडिकल की बात करेंगे तो एमयू में मेडिकल का जो एडमिशन्स होता है वो नीट के बेसिस पे होता है, तो नीट का अभी आंसर की आया है। आंसर की का आने के बाद चैलेंजेस होंगे, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगा, तब जाके आपको मेडिकल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग हो पाएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी आप लोग क्यूरीज क्वेश्चंस कमेंट्स कर रहे थे सबका मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तराना वैसे बात करें तो गजब की तराना है। आपको टाइम अपना टाइम टेबल हर चीज़ का बनाना चाहिए और तराना सुनने का भी टाइम बनाना चाहिए, तराना से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये अब्र यहाँ से उठा है सारे जहाँ पर बरसेगा, जो अब्र यानी जो बादल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उठा है वो पूरी दुनिया में जाके बरसता है। आप वहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो पूरी दुनिया पे आपका एक तरह से कहेंगे कि एक तरह से नाम होगा, राज होगा, अगर अच्छा करेंगे कोई काम तो अब्र हमेशा हर जगह बरसता रहेगा। तो गल्फ कंट्री में देख लीजिए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह देख लीजिए, अमेरिका में भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, आपने गल्फ कंट्री में हर जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए। अगर रिजल्ट आने में थोड़ा सा देर है तो इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।